आपका स्वागत है। मैं करिश्मा मेहता ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। राजभाषा हिंदी दिवस का किया आयोजन। रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत। पत्रकारों को भूखंड आवंटन को लेकर भेजा ज्ञापन। भारतीय रेल निजीकरण के विरुद्ध में 14 से होगा प्रदर्शन। रेलवे महाप्रबंधक ने दिया आदेश, रेलवे स्कूल नहीं होगी बंद। जैन को बनाया जिले के प्रभारी मंत्री। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। लेख हिम्मत की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आगरोड की बैठक साई बाबा मंदिर प्रांगण में मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र संभरिया की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष बाबूभाई पटेल, जिला मंत्री दुर्गेश शर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष मोरवाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य विजय गोटवाल के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा को अलग अलग कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजभाषा हिंदी दिवस का किया आयोजन। रमेश सुधा व भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार वराड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य भवलाल पुरोहित की अध्यक्षता में राजभाषा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। अध्यापक संजय शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर वक्ताओं ने हिंदी भाषा के विकास की यात्रा को विस्तार से बताया व नवीन जानकारी प्रदान की। साथ ही विद्यालय में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हेतु भी एक समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के मोहनलाल सुतार, गोवाराम मेघवाल, शांति व इतराज गुजर उपस्थित रहे। रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सिरोही के जिला अध्यक्ष मनीष मोरवाल निवासी आपू रोड व जालौर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बकुल माराम सोलंकी निवासी जालौर को उत्तर पश्चिम रेलवे का मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य रेल मंत्रालय के द्वारा मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष मनीष मोरवाल ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि DRC UC के माध्यम से रेल यात्री व रेल कर्मियों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इससे जालौर व सिरोही जिले को रेल क्षेत्र में अधिक से अधिक विकसित कर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। ज्ञापन भेजकर नगर पालिका प्रशासन को जल्द से जल्द भूखंड आवंटन करने के निर्देश देने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। गत गहलोत सरकार के समय से अबरोड में पत्रकारों को भूखंड आवंटन करने की प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसमें समय समय पर जिला प्रशासन व सरकार के निर्देश स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को दिए गए। गंभीर बीमारी में 1 लाख की जगह 2 लाख तक सहायता राशि प्रदान करते, वरिष्ठ पत्रकार पेंशन 10,000 प्रतिमा करने, मेडिकल डायरी का लाभ पत्रकारों देने सहित सभी निर्णय स्वागत योग्य है। भारतीय रेल निजीकरण के विरोध में 14 से होगा प्रदर्शन। लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलों के निजीकरण के विरोध में भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन व नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर पूरे भारत में विरोध सप्ताह 14 सितंबर से 19 सितंबर तक मनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज डिजिटल शेड अबरोड में मैन टू मैन कॉन्टेक्ट किया गया। वही सुबह 8 बजे डिजिटल शेड गेट पर एक सभा रखी गई व विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व शाखा सचिव कॉम अनिल भट्ट ने किया। इस प्रदर्शन में शाखा अध्यक्ष कॉम हितेश शर्मा सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य और रेल कर्मचारी उपस्थित थे। रेलवे महाप्रबंधक ने दिया आदेश, रेलवे स्कूल नहीं होगी बंद। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने की मेहनत रंग लाई। रेलवे महाप्रबंधक ने स्कूल को इस सेशन तक चालू रखने की आदेश दिए। अभिभावकों व विद्यार्थियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान व सभी ने इसको शिक्षा की जीत बताई। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के अबरोड शाखा अध्यक्ष सुभाष जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष गुमान सिंह राव व महामंत्री विनोद मेहता ने अजमेर मंडल में प्रधान कार्यालय स्तर पर रेलवे स्कूल अबरोड को यातायात रखने हेतु रेल महाप्रबंधक से स्थायी वार्ता तंत्र को बैठक चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। रेलवे मजदूर संघ द्वारा रेल मंत्री की बात को रखते हुए अबरोड रेलवे स्कूल बंद नहीं करने का आग्रह किया गया। सभी की बातों को सुनने के बाद रेल महाप्रबंधक ने अबरोड रेलवे स्कूल को इस सेशन तक बंद नहीं करने के आदेश पारित किए। जैन को बनाया जिले के प्रभारी मंत्री। राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन को सिरोही-चालोद जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर पिंडवाड़ा पालिका उपाध्यक्ष चेलाराम देवासी और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष निकेश रावल के नेतृत्व में आतिशबाजी करके और एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर नगर पालिका पार्षद संजय गर्ग, नगर पालिका पार्षद सुरेश मेवाड़ा, नगर पालिका मनोनीत पार्षद अजहरुद्दीन मेहमान, नगर पालिका पार्षद चगन बी टाक आदि मौजूद रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय सिरोही की खबरों में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।